हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप डार्क वेब में कैसे जा सकते हो पूरे सिक्योर के साथ और आपको कोई हैक नहीं कर सकता है, और आप कैसे पीसी में और मोबाइल में, मैं दोनों के बारे में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे बहुत सारी खतरनाक भाई कंटेंट आने वाले भाई। गाइज तुम्हारा भाई इतना रिस्क ले रहा है भाई, प्लीज़ सपोर्ट करना बनता है यार भाई। बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। जो 18 प्लस नहीं हो ना, तो आप डार्क वेब में कभी जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका इतना भी माइंड शार्प नहीं होगा कि आप डार्क वेब जा सको तो आप फंस सकते हो। पहले आपको आपके पीसी में जाना है और आपको सर्च करना है कि टॉर ब्राउजर, और टॉर ब्राउजर की एक वेबसाइट आ जाएगी और उसको क्लिक करना है। आपका जो भी डिवाइस होगा, विंडोज होगा कि ओएस होगा कि लिनक्स होगा कि एंड्रॉइड होगा, जो भी होगा आपको उसके ऊपर क्लिक करना। मेरा तो ओएस एक्स है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, और मेरा अभी डाउनलोडिंग हो रहा है। तो डाउनलोडिंग होने के बाद उसके बाद आपको गूगल में जाना है और कोई सी भी फ्री वीपीएन डाउनलोड कर देना। आपका मर्जी, आप पेड वीपीएन भी ले सकते हो, वो ज़्यादा ही सिक्योर रहेगा, बट सब तो ले नहीं सकते ना, इसीलिए फ्री वाला मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपको टॉर ब्राउजर ओपन करना है और कुछ भी सर्च करना है। देखो मेरा अभी मैं सर्च किया, आप अभी इस ब्राउजर में आप आने न मोसो, आप कुछ भी सर्च करोगे या कुछ भी करोगे आपको कोई जान नहीं सकता। बट आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो आपको इसके ऊपर जो दिख रहा है ना उसके ऊपर क्लिक करना है और एडवांस सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड या सेफर या सेफेस्ट तीनों में जो इसको भी एक को चूज करना है। स्टैंडर्ड जो होता है ना वो है कि आपको सब कुछ शो करेगा, बट आपका सिक्योरिटी इतना अच्छा नहीं होगा। सबसे अच्छा होगा सेफेस्ट स्टैंडर्ड में, जो पेजेस होते हैं ना वो कोडिंग टाइप पे हैकर कर देता है और आप फंस सकते हो, आपका कंप्यूटर और सब कुछ हैक हो सकता है। बट आप कंप्यूटर कभी फुल स्क्रीन मत करना, मैं भूल से कर दिया हूँ, बट आप कभी मत करना, आप ट्रैक हो सकते हो। गाइस जो आपका सेफेस्ट ऑप्शन होता है उसको सिलेक्शन करने पर आपको बहुत सारी इमेज शो नहीं करेगा, क्योंकि वो हैकर कोडिंग करके आपको फंसा सकता है, इसीलिए सेफेस्ट में आप बहुत ज़्यादा सेफ हो, तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, तो आपको सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम फ़ोन के बारे में बात करेंगे। तो फ़ोन में आपको फर्स्ट दो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वो है टॉर और टॉर ब्राउजर। उसके बाद टॉर में आना है और वीपीएन मोड चूज करना है, उसके बाद ब्रिज मोड चूज करना है। उसके बाद आपको का जो सेटिंग ऑप्शन चूज कर वो शो कर रहा होगा, उसके जाके सिलेक्ट करना है टॉर और क्रोम ब्राउजर। उसके बाद आप जाके क्रोम में देख सकते हो, देखोगे कि मेरा आईपी चेंज हुआ है कि नहीं। उसके बाद चेंज आईपी शो कर रहा है तो मेरा तो चेंज हो चुका है। तो तुम्हारा आईपी चेंज हो गया है तो आप सर्व कर सकते हो अभी डार्क वेब। तो आप आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मैं जो डार्क सेकेंड पार्ट लाऊंगा जो डार्क वेब सर्व करके दिखाऊंगा आप सबको, इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आपको जैसा भी लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत कांड फाड़ होने वाला है भाई। तो गाइस बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।